Hello guys, my name is Kashif and I'm shooting my first vlog. I hope आप सबको एक vlog पसंद आएगा, so please like, share and subscribe. So होते हैं तैयार, फिर करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके शुरू आज का vlog. Bye. See you in my car. Bye. हम निकल चुके हैं डोडा की तरफ. एक्चुअली अभी डोडा भी नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है, मुझे काम ख़त्म करके हम मिलते हैं क्योंकि शहबाज भाई मेरे जो फ्रेंड है वो भी वेट कर रहे हैं, तो वो भी अपनी गाड़ी लेके हैं. तो जैसे ही काम ख़त्म होता है तो हम लोग निकलते हैं. गाइस प्लीज़ डू वेयर मास्क क्योंकि So guys, हम निकल चुके हैं अभी. जैसे कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो मैं अभी पेट्रोल डला के निकला हूँ जस्ट पेट्रोल पंप से, और अब हम जा रहे हैं. थोड़ा मुझे काम है जम्मू में, जैसे ही काम ख़त्म होता है तो उसके बाद आई टुवर्ड्स डोडा. तो जैसे कि शहबाज भाई ने फ़ोन किया मेरे को, अभी बोलते हैं यार कि रोड बंद है तो क्या करना है, क्या नहीं, लेट निकलते हैं. मैंने कहा नहीं यार पता कर ले, मैंने कहा एटलीस्ट वेट कर लेते हैं वहीं. अब निकल गए हैं तो अब रुकते नहीं है, मैंने कहा वहीं वेट कर लेंगे. मैंने कहा रुकने से फिर थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है. तो फिर अभी हमने पता किया रोड खुली है. यस फाइनली हम जा रहे हैं भाई डोडा, मज़ा आएगा. और अभी जैसे ही काम शाम ख़त्म होता है उसके बाद हम चलेंगे आगे. गाइस तो अभी हम सिद्धरा में हैं, सिद्धरा हाईवे जस्ट अभी मैंने क्रॉस किया. अभी मैं शहबाज भाई का वेट कर रहा था, जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं शहबाज भाई का वेट करने लग गया, लेकिन शहबाज भाई ने धोखा दे दिया. शहबाज भाई बोलते हैं मैं कल आऊँगा, मुझे काम पड़ गया है. तो गाइस हम लोग अब निकल रहे हैं अकेले क्योंकि शहबाज भाई तो आएंगे नहीं. तो चलो यार, अभी हम जा ही रहे थे तो अपने पुराने भाई एक मिल गए, काजिम भाई, वो भी जा ही रहे हैं डोडा. तो फाइनली यार मतलब कोई तो मिल गया. चलो साथ साथ ही है, वो भी दो ही बंदे हैं, वरना एक बंदा मेरे साथ आ जाता, वरना मज़ा आ जाता. लेकिन चलो अब कोई नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या होता है. अभी हम टोल प्लाजा है, इससे जम्मू से कोई 30 किलोमीटर दूर का है ये, मतलब कोई 30 किलोमीटर दूर. तो गाइस हम हैं अभी बन टोल प्लाजा. फाइनली हम टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं. मतलब मैं सुबह का निकला हुआ हूँ 11 बजे का, तो 1-1.5 घंटा लग गया मुझे यहाँ तक आने में. तो इट्स क्वाइट हेक्टिक यार, तुमको 15 मिनट के रास्ते को 1-1.5 घंटा लग गया. गाइस पिछले आधे घंटे से मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ. जैसे ही हमने टोल प्लाजा क्रॉस किया, टनल्स क्रॉस किए, जैसे हम कटरा दुमैल पहुँचे तो हमको ट्रैफिक मिल गया. भाई ये कटरा में अभी बारिश पड़ रही है, बहुत बहुत अच्छा मौसम है. मतलब काफ़ी ठंडा हो गया मौसम एकदम से. जब मैंने उधमपुर बाईपास लिया, पहले मेरा प्लान उधमपुर सिटी जाने का था लेकिन अब प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि अकेला हूँ, शहबाज भाई भी नहीं आए. तो हम लोग का प्लान था अंदर से जाने का, लेकिन अब हम बाईपास ही निकल गया हूँ मैं. कासिम भाई भी काफ़ी पीछे रह चुके हैं, वो भी नहीं आए अभी तक. भाई जैसे ही हम उधमपुर बाईपास क्रॉस किया तो बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है. अगर ऐसा ही रहा तो आगे बहुत मौसम ख़राब होगा, और मौसम ख़राब हुआ तो फिर लैंडस्लाइड्स भी आ सकती हैं क्योंकि चनेनी नाशरी वाला स्ट्रेच बहुत ख़राब है, बहुत रफ रोड है. मतलब वहाँ पे हार्डली तुम 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, मतलब इतनी स्पीड भी नहीं जाती है गाड़ियों के, बहुत ख़राब स्ट्रेच है. तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत आती रहती हैं. तो अब आई होप रास्ता साफ रहे और मैं सेफली चनेनी टनल क्रॉस कर लूँ, और उसके बाद तो आगे रास्ता साफ रहे. गाइस मैं अभी हूँ उधमपुर रेलवेज़ के लिए, भी यहाँ से रास्ता जाता है. रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ. ये ये देखिए, ये यहाँ से रेलवेज का रास्ता है आगे से, और हल्की हल्की जैसे कि आप बारिश देख रहे हैं, कैसा मौसम है। वेदर तो काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन अब बस रोड खुली हो गई। जैसे गाइस मैं निकला था, जैसे उधमपुर स्ट्रेच के बाद, तो मेरे को एक अंकल मिल गए रास्ते में, बारिश में भीग रहे थे, उनको भी चेनैनी जाना था, रास्ते में ही है। मैंने सोचा लिफ्ट दे दूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कोविड की वजह से सारी गाड़ियाँ बंद कर दी हैं, तो वो जा नहीं पा रहे थे, तो और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है, तो मैंने कहा चले जाता हूँ। ये अंकल है, अंकल रास्ते कर रहे हैं, तो जल्दी इनको छोड़ के आपको मैं आपसे बात करता हूँ। गाइस एज आई प्रॉमिस्ड, मैं तुम्हें चेनैनी तक का सारा स्ट्रेच दिखाऊंगा, सारा तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ख़राब रोड है, और मैं वीडियो के साथ साथ शूट के साथ साथ ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। बट जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कितना ख़राब स्ट्रेच है। ये तो 30-40 किलोमीटर्स ही है, लेकिन इसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है बंदे को ड्राइव करते करते, क्योंकि बहुत ख़राब स्ट्रेच है। चलिए अब देखते हैं आगे जाके कैसा होता है। अभी तक तो फ़िलहाल रोड खुली हुई है, और मैं जब जम्मू से निकला था तो मैंने शहबाज को भी कहा था कि फ़ोन करके पूछ ले रोड खुली या बंद है, तब तो खुला था, लेकिन अब बारिश पड़ी है तो मे भी कहीं बंद ना हुआ हो। और काफ़ी ट्रक है, ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा, और लास्ट टाइम यहाँ पे शायद लैंडस्लाइड आया था, काफ़ी 1-1.5 दिन रोड बंद रहा था। चलिए फिर चलते हैं आगे। ये चेनैनी नाशरी टनल, अंकल को यहीं उतरना है क्योंकि अंकल को नाशरी जाना है, चेनैनी जाना है। कोई बात नहीं अंकल, आप चले जाओ, अपनी पर्सनल गाड़ी है, इसमें थोड़ी होता है कुछ। नहीं ये खोलो, ये ऐसे। हाँ जी, ठीक है अंकल, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे कि अंकल चले गए अब, और हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइज वी आर इनसाइड श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो है चेनैनी नाशरी के बीच। ये आई गेस 8.9 किलोमीटर्स का टनल है। तो जा रहे हैं हम, अंकल उतर चुके हैं तो हमारे साथ। फाइनली हमने चेनैनी नाशरी टनल क्रॉस कर लिया है, और हम अब बटोत पहुंचने वाले हैं कोई 5-10 मिनट में। उसके बाद आगे 50 किलोमीटर और ट्रैवल करना है, वो स्ट्रेच में भी 1-1.5 घंटा लग ही जाता है मोस्टली, क्योंकि वो बहुत हिली रोड है। रोड तो साफ है, लेकिन बस ये है कि बहुत ब्लाइंड कर्व्स हैं उस पर, और बहुत डेंजरस रोड है, तो वहाँ पर बहुत ध्यान से ड्राइव करना पड़ता है। तो गाइस हमने कर लिया चेनैनी नाशरी टनल क्रॉस, और उसके बाद हमने बटोत भी क्रॉस कर लिया। हम बटोत से आ गए, तो मैं आपको ना यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कैसे। देखिए क्या बेहतरीन व्यू है, ब्रेस्टमेकिंग व्यू। और चलते चलते आप गाड़ी की हालत देख लेते हैं, हमारी कारी धनों की हालत देखो आप, क्या हालत हो गई है इसकी। अब यहाँ से जाके वॉश कराऊंगा गाड़ी अपनी सारी की सारी। ये देखिए टेम्परेचर काफ़ी लो है यहाँ, क्योंकि मेरे को ठंड भी लो रही है, और मुझे लगता है कि मुझे स्वेटर निकाल लेनी चाहिए। सो गाइस दिस इज़ रिवर चिनाब, और ये आता है कनेक्ट करता है पुल डोडा, वहाँ से पीछे किश्तवाड़ से वो सारा कनेक्ट एरिया करता है, और ये बहुत पीछे से आता है। ठीक we reached our destination, डोडा। So actually मुझे अब डोडा सिटी नहीं जाना है, मुझे आगे बद्रा वाली रोड पे जाना है। तो वो वाला ब्लॉग हम बाद में शूट करेंगे क्योंकि आज हमारा साथ यहीं तक का था। So टाटा, see you guys। Guys please like, subscribe and share क्योंकि बड़ी मेहनत की है आज के ब्लॉग के लिए।